खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फतेहाबाद के भट्टूवाला क्षेत्र में टाटा एस गाड़ी चालक पर चाकुओं से हमला कर उसकी गाड़ी छीनने का मामला सामने आया है। बता दें कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया और अस्पताल में उपचार के दौरान हैरान कर देने वाली बात चालक ने यह बताई कि चाकुओं से हमला होने के बाद वह घायल चालक भागते हुए लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन रास्ते में मिले बाइक सवार और पिकअप सवार ने उसकी मदद नहीं की। भागते हुए एक घाणी में पहुंचने के बाद किसी तरह से मदद लेने में सफल हुआ चालक फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रेफर कर दिया गया है, जिस पर डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि डिंग निवासी टाटा एस चालक गगनदीप पर चाकुओं से हमला होने की जानकारी मिली है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि टाटा एस चालक को किराए पर लेकर दो लोग हिसार के गांव मौजू खेड़ा जा रहे थे। रास्ते में महुवाला हेड पर टाटा एस चालक गगनदीप पर चाकुओं से हमला कर दोनों आरोपी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। फिलहाल गगनदीप के बयान अंकित किए जा रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई करके हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं भागता थक गया जी, मैं साथ इकट्ठा हो गया, यहाँ पर चक्कू मारा उन्होंने मेरे, मार तो मर गया, फिर सड़क के आगे जाके लेट गया। मैंने सभी को हाथ मारा बाइक को, वालों किसी ने नहीं रोका। एक पिकअप आ रही थी, पिकअप वाले की चाबी खोज ली मैंने, मैं मुझे लेके जा मुझे, उसने बचाया नहीं। मैं जल्दी की पिकअप के पीछे लटक गया, फिर एक डाने के पास उनको पता लगे कि मैं बैठा हूँ पीछे, उन्होंने डाने के पास धक्का मार के मुझे निकाल दिया। फिर डाने के पास गया मैं, मुझे बचाओ यार मैं मर जाऊँगा, जो मेरे सांस इकट्ठा हो गया। फिर डाने वाले पहले तो बचा नहीं रहे थे, उन्होंने बाद में तो बचा देते हैं भाई। ये जो है ना गगनदीप नाम का आदमी, इसके पास टाटा एस गाड़ी थी, कल जो है ना डिंग से इसको किराए पर करके लेके आए थे दो आदमी। प्रथम दृष्टि ये सामने आया कि दो आदमी मौजू खड़क थे और मेवाड़ा के लिए इसको किराए करके लेके आए थे, और मेवाड़ा हेड के पास जो है ना इसको चाकू मार कर गाड़ी लेके आए। गाड़ी जो है ना लगता तो यही है प्रथम दृष्टि, बाकी जो है ना हमारा ये सही गया है सपरा हॉस्पिटल में उसके बयान अंकित करने के लिए, और उसके बयान अंकित करने के बाद में पूरी स्थिति स्पष्ट हो, यहाँ से रेफर कर दिया उसको और अब सपरा हॉस्पिटल हिसार में चक्कू मार रहे, बता यही है सामने की चक्कू मारे उसने। पुलिस हमारा ऐसा ही गया, उसके बयान अंकित करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उसके बयान के अकॉर्डिंग कार्रवाई।